जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना वायरस अपने पांव तेजी से पसार रहा है, जहां अबकी बार इसकी चपेट में आए हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान, इरफान पठान, एस बद्रीनाथ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व पेशर शोएब अख्तर ने भारतीय लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है। मास्टर ब्लास्टर की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अख्तर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनके लिए एक ट्वीट किया है। आपको बताते चले दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने पिछले हप्ताह ही इस बात की पुष्टि की थी कि वे कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आए और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। इस बात की जानकारी भी दी कि उनके परिवार के बाकी सदस्य कोविड-19 जांच में नेगेटिव आए हैं। वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में हमें खेलते दिखे थे, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, जीत भी हासिल करी थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद शोएब अख्तर ने एक ट्वीट किया। अख्तर ने सचिन तेंदुलकर के स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा कि मैदान पर मेरे पसंदीदा दुश्मनों से एक जल्दी ठीक हो जाओ, यानी कि वन ऑफ माई फेवरेट राइवल्स ऑन द ग्राउंड गेट वेल सून बडी @सचिन। बता दें कि शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर अपने खेल के दौरान कट्टर दुश्मन थे और वह अपनी इस प्रतिद्वंदिता को काफ़ी एंजॉय भी करते थे। इन दोनों को मैदान पर एक दूसरे के सामने देखा गया फैंस के लिए काफ़ी खास होता था, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी टीमों के दिग्गज खिलाड़ी थे, जीत दिलाने के लिए जाने जाते थे। लेकिन शोएब अख्तर कई मौके पर आमने सामने आए सचिन तेंदुलकर के, जहां अपनी बादशाहत साबित करने की कोशिश की, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने हमेशा बल्ले से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें दोस्तों, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में बहुत अच्छे साबित हुए, जहां टेस्ट में 15,921 रन बनाए तो वहीं वनडे में 18,426। शोएब अख्तर ने 444 इंटरनेशनल विकेट छटकाए हैं, ये भी आंकड़ा काफ़ी खास है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।